नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कि केवल खास करके मिर्च की फसल के लिए बनाया गया है और यह मिर्च के फसल में लगभग सभी प्रकार के कीटों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। और यदि इसे आप प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो आपके मिर्च के फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट जैसे फंगस को आने ही नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीएचसी कीटनाशक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम टीएचसी कीटनाशक की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं और अंत में बताएंगे कि मिर्च के फसल में टीएचसी कीटनाशक को कब, कैसे, किस तरीके से इसका उपयोग हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे मिर्च के फसल में फंगस का अटैक भी न हो सके। तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, टीएचसी कीटनाशक निचिनो इंडिया कंपनी का आता है और यह एक जापानी ब्रांड है। इसका जो केमिकल एंड कंपोजिशन है इसमें टॉल्फेन पायरेट 15% जो कि इसी फार्मूलेशन में आता है। इसी मतलब इमल्सीफाइबल कॉन्सेंट्रेट होता है जो कि बहुत तरल लिक्विड फार्म में आता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं टीएचसी कीटनाशक की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका क्या है। तो टीएचसी कीटनाशक में टॉल्फेन पायरेट 15% में आता है। टॉल्फेन पायरेट पायराजोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कीटनाशक है जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। यह एक माइटीसाइड भी है यानी कि मकड़ी नाशक भी है जिससे कि यह रेड माइट और येलो माइट को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। टॉल्फेन पायरेट में एंटी फीडिंग एक्शन भी है जिससे कि इसे स्प्रे करने के बाद कीट इसके संपर्क में आते ही तुरंत भोजन करना बंद कर देते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद इनकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। इसमें लार्वासाइडल एक्शन भी है जिससे कि यह कीटों की जो लार्वा की अवस्था होती है यह उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। इसी के साथ इसमें ओबिसाइडल एक्शन भी है जिससे कि यह कीटों को तो मारता है, साथ ही साथ कीटों की अंडों को नष्ट कर देता है, फोड़ देता है, जिसके बाद कीटों की लाइफ साइकिल पर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन लग जाता है। टॉल्फेन पायरेट में डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन भी है जिससे कि यह अन्य मौजूदा कीटनाशकों के प्रतिरोधी कीटों पर अत्यधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मारता है। तो किसान भाइयों, यह था टीएचसी कीटनाशक की काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं टीएचसी कीटनाशक यानी कि टॉल्फेन पायरेट 15% कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो टीएचसी कीटनाशक मुख्य रूप से थ्रिप्स यानी कि तेला को नियंत्रण करता है। इसके अलावा एफिड यानी कि माहू को नियंत्रण करता है, डीबीएम यानी कि डायमंड बैग मोथ को नियंत्रण करता है, बक्स को नियंत्रण करता है, लीफ माइनर लीफ हॉपर को नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो रेड माइट और येलो माइट होता है, तंबाकू कैटरपिलर होता है, इसको टीएचसी कीटनाशक बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, इसके अलावा यदि मिर्च के फसल में आप टीएचसी कीटनाशक को प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो यह आपके फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट जैसे फंगस को भी आने ही नहीं देता है, यानी कि यह 25% तक एक फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है। वही इसकी क्रॉप स्प्रे की बात करें तो टीएचसी कीटनाशक को निचिनो इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मिर्च के फसल के लिए रिकमेंडेड करती है, लेकिन इसे आप मिर्च के साथ साथ लगभग सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और बागवानी फसलों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। वही इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करें तो टीएचसी कीटनाशक को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 300 से 350 ml 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 40 ml टीएचसी कीटनाशक को लेना चाहिए। टीएचसी कीटनाशक की रेन फास्ट ने 6 घंटे का होता है। इसको स्प्रे करने के बाद कीट और फसल के ऊपर काम करने के लिए 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे के बाद चाहे फिर जितने भी बारिश होती है इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है। टीएचसी कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 15 दिनों तक काम करता है
15 दिनों तक कीटों को नियंत्रण करके रखता है, और यदि इसे आप प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो यह 15 दिनों तक आपके फसलों में फंगस को भी आने ही नहीं देता है। टीएचई कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, कम्बिनेशन एंड स्टेज की बात करें तो टीएचई कीटनाशक को आप कोई भी फसल हो, किसी भी फसल में किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कम्बिनेशन की बात करें तो इसके साथ आप दूसरे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और कुछ चुनिंदा टॉनिक के साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। अब अंत में जान लेते हैं इसकी पैकिंग व प्राइस क्या है। तो टीएचई कीटनाशक आपको 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 250 ml का जो पैकिंग है यह 800 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।